धर्मा प्रोडक्शन हाउस किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इंडिया का सर्वोच्च फिल्म निर्माण कंपनी है। साथियों, धर्मा प्रोडक्शन हाउस की स्थापना यश जौहर के द्वारा सन 1976 में किया गया था। यश जौहर जो हैं एक फिल्म निर्माता थे। इनका जन्म 6 सितंबर 1929 को लाहौर में हुआ था। धर्मा प्रोडक्शन हाउस की सबसे पहली फिल्म 8 अक्टूबर 1980 में दोस्ताना रिलीज की गई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने काम किया था। साथियों, उस जमाने में बहुत ही बड़े स्तर का बिजनेस किया था इस फिल्म ने। इसके बाद 24 जून सन 2004 को यश जौहर के मृत्यु के बाद उनके बेटे करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन हाउस के चेयरमैन बने। साथियों, सन 2001 में कभी खुशी कभी गम करण जौहर के द्वारा ये फिल्म निर्देशित की गई और धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस की गई। इस फिल्म ने इंडिया से लेकर विदेशों तक खूब धमाल मचाया, बड़े स्तर का कमाई किया। साथियों, उसके बाद जो है धर्मा प्रोडक्शन हाउस की फिल्में बहुत आई, जैसे मैं आप लोगों को कुछ फिल्मों के नाम बता रहा हूँ। कभी अलविदा ना कहना, कल हो ना हो, सूर्यवंशी, केसरी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सिम्बा, भूत, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, गुड न्यूज़, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं। साथियों, अगर हम लोगों को धर्मा प्रोडक्शन हाउस में अपना इंट्रो, अपना ऑडिशन, अपना डेटा अगर देना है तो मैं आप लोगों को ये एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस पर जाकर धर्मा प्रोडक्शन हाउस में अपना इंट्रो ऑडिशन दे सकते हैं। अगर आप लोगों को वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो साथियों, आप लोग गूगल मैप के द्वारा भी बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। साथियों, या तो मैं फिर आप लोगों को वहाँ का कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस ईमेल आईडी के माध्यम से धर्मा प्रोडक्शन हाउस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से आप तक कोई मैसेज पहुँचा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ये मेरी विनती है, आप लोगों से प्रार्थना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।